तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट में। अभी हम लोगों ने चेक इन नहीं किया है, हम जस्ट यहाँ पर डाइनिंग एरिया में बैठे हुए अपना वेलकम ड्रिंक लेंगे। अभी वेलकम ड्रिंक आने वाला है, उसके बाद क्योंकि रूम भी अभी थोड़ा सा क्लीन होना बाकी है तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर रुक जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को हमारे रूम में लेकर चलती हूँ। लेकिन उसके पहले ये व्यू देखो भाई साहब, मतलब व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इतने खतरनाक घाट्स चढ़ा के क्यों आई हूँ, बिकॉज व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑल्सो पता है उन्होंने मुझे कहा कि सुबह सुबह बहुत फॉग होता है यहाँ पर, तो सुबह सुबह का भी माहौल मैं आप लोगों को पक्के से कैप्चर करके बताऊँगी। हमारा वेलकम ड्रिंक आ चुका है, मज़ा आ गया। नींबू कुछ ज़्यादा ही खट्टा है। टस्की को बैग में रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए वो ज़िद कर रहा था बाहर आने के लिए, तो मैंने सोचा कि उसको तब तक के गोद में पकड़ लेती हूँ जब तक कि हमारा रूम रेडी हो रहा है। हाँ कुछ नहीं होता, बैठ जा, डर लग रहा है ना तुझे, बैठ जा। वो टस्की जो है ना बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डरता है, उसको घर ही पसंद है, मतलब उसको पैक रूम पसंद है, वैसे खुला खुला वो रहा नहीं है कभी। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ से अपना रूम दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ, क्योंकि हमारा जो रूम है वो हो चुका है क्लीन और हमारा सामान ऑलरेडी आई गेस भैया लेकर जा चुके हैं, टस्की और क्लोई को भी भैया ही लेकर जा चुके हैं। तो लेट्स गो और मैं आप लोगों को अब मेरा रूम दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा रूम और आप लोगों को टस्की दिख रहा होगा, मेरी राह देख रहा है वो हमारे रूम में। तो चलो फिर मैं आप लोगों को अब ओपन कर दिखाती हूँ कि हमारे रूम में क्या क्या है। तो सबसे पहले अभी अनलॉक करते हैं, ये वाला लेफ्ट। टस्की बाहर नहीं आना बच्चा, चलो अंदर अंदर चलो अंदर चलो, वेरी गुड। हाँ तो देखो अब हम एंटर हो चुके हैं हमारे रूम में। ये रहा हमारा रूम, जो ऊपर वाला फ्लोर है वो अलग से है, उसके लिए बाहर से सीढ़ियाँ जाती है। तो हमारे रूम में है एक किंग साइज बेड, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिस पर आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है टीवी। अब टीवी के जस्ट नीचे मैंने मेरे बच्चों का लेटर रख दिया है, यहाँ पर सोफा दिया गया है और वहां पर एकदम कॉर्नर में मतलब बेड के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा अपना लगेज रख दिया है। एंड ऑल्सो यहाँ पर कॉफी और टी मेकर भी दिया है ताकि आप इंजॉय कर सको कॉफी और टी, मेरे जैसे लोगों के लिए है ये। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा वॉशरूम किस तरफ है। वॉशरूम जो है हमारा वो हमारे बेड के राइट हैंड तरफ है, राइट हैंड तरफ आपको ये सिंक दिख जाएगा और यहाँ पर है मिरर। ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम बहुत मस्त है पता है, एकदम छोटू सा कॉम्पैक्ट सा, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। हाँ टस्की बता, क्यों मंडरा रहा है आजू बाजू, भूख लग गई है बच्चा, आ जाओ चलो खाना देती हूँ, आ जाओ टस्की बाहर नहीं जाना है, बाबू आया है, चलो आ जाओ आ जाओ टस्की, आ जाओ पिल्लू। भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, मतलब तुम खुद देखो यहाँ से मुझे सब कुछ दिख रहा है, पता है फ़ोन में ये इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यार, सच बता रही हूँ। आई गेस वेट अ सेकेंड, हमारे ऊपर अभी धूप इस तरफ है तो इस तरफ सनसेट होगा, सनराइज उस तरफ से होगा, ठीक वहाँ से सनराइज होगा, इसका मतलब हम सुबह सनराइज देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को हमारा रूम तो दिखा दिया है, एंड आई होप सो आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा क्योंकि सच में बहुत अच्छा है यार, हमारे रूम से व्यू भी बहुत प्यारा है और हमारे रूम के जस्ट बाहर इन्फिनिटी पूल भी है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। मैंने आप लोगों को बस अभी तक के में हमारा रूम दिखाया है, वो मैं आप लोगों को बाद में इसलिए दिखाने वाली हूँ क्योंकि अभी फिलहाल हमें खाना खाने के लिए जाना है, इसीलिए क्योंकि सिर्फ 2:30 बजे तक के ही रहने वाला है आई गेस बूफे। मैं नहीं चाहती कि हमारा बूफे जो है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि भूख बहुत तड़ाकेदार लग चुकी है। और हम लोगों ने खाने में मंगाया है उसड़ और पराठा, भाई साहब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब उसड़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्यारा है ये सच में। खाना अगर अपन बनाते घर पे, बना भी लेते बन भी जाता अच्छा, दो सब्जी खिचड़ी चपाती सलाद वलाद सब मिला के कितने बर्तन निकालते, 15 पूरे घर के बर्तन निकलते, वो सब छोड़ खाना कैसा लगा? एक नंबर यार सच, तू नहीं बना पाएगी कभी ऐसा, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये खाई क्या तू, दे एक चम्मच खा खिचड़ी, मजा आ जाएगा। खाऊ? कभी भाई ने बोला है खिचड़ी ट्राई करने के लिए, मैं बस बहुत थोड़ा सा करने वाली हूँ, वैसे मैं करने नहीं वाली थी लेकिन भाई के बोलने पर कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा गर्म है। जब मैं खाऊं खिचड़ी तो सवाल पर पूछड़ी।
दो मिनट भाई कुछ बोल रहा है, बोल। जब मैं खाऊ खिचड़ी तो सहलाओ मेरी पुछड़ी। हाँ तो हमारा खाना पीना बहुत मजे में हो गया यार, खाना इतना प्यारा था। दिस इज अ प्योर वेज क्या बोलते हैं रिजॉर्ट, और खाना सच में यार बहुत प्यारा, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं कहीं बाहर खा रही हूँ, पूरा घरगुती। आपने देखा होगा मैं पराठा खा रही थी, और पता है मैंने उनको पूछा भी कि ये पराठा मुझे नाश्ते में मिलेगा क्या, तो उन्होंने बोला हाँ अगर आपको मंगवाना है तो आप पराठा अलग से मंगवा सकते हो, क्योंकि सेम जैसा मैं घर पर पराठा बनाती हूँ वैसा था। और उसड़ की सब्जी मंगाई थी हमने, इतना ज़्यादा अच्छा था सच में, बहुत ही प्यारा। क्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं उसड़ की सब्जी ऐसी कभी बना नहीं सकती, लेकिन नहीं यार सच में बहुत ही प्यारा था खाना। तो देखो ठीक वो रहा हमारा रूम, अभी खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही इन्फिनिटी पूल, मतलब भाई साहब इन्फिनिटी पूल पे जाने का अलग ही मजा आएगा। जाएगा कह तू वहाँ खड़ा रहना है कुछ चैलेंज करना। अच्छा नहीं और पूल पता है, और पूल बहुत ही ज्यादा क्लीन है, मतलब बहुत ज्यादा क्लीन है पूल भाई साहब। पता है यहाँ पर इतना ठंडा है माहौल, मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते, मुझे कड़कड़ाती सी ठंडी सी लग रही है, क्योंकि ऐसा माहौल तो नहीं होता यार जहाँ मैं रह रही हूँ ना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहता ऐसा माहौल, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि भाई ठंडियों में क्या हाल होता होगा, ठंडियों में तो बस नहीं सह पाते होंगे भाई साहब। पता है इधर लिटरली नेटवर्क ही नहीं है, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ मेरा बड़ा वाला ब्लॉग अपलोड करने के लिए, लेकिन वो ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा है। अभी 6 बजने वाले, 5:55 हो रहे हैं, मैंने वो ब्लॉग आई गेस 12 बजे डाला था अपलोडिंग के लिए, लेकिन वो ब्लॉग अभी लोड हो जा भाई, लेकिन वो ब्लॉग अभी सिर्फ और सिर्फ 63% हुआ है अपलोड। यहाँ पे नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल हम इन वादियों में वॉकिंग करने निकले हैं। अब मुझे बस इस बात का डर है कि इस वादियों में हम कहीं बह ना जाएं। वैसे पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको शाम को आना चाहिए था यहाँ पे सनसेट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्यारा दिखता पता है सनसेट, लेकिन आज हमने वो मिस कर दिया। वैसे भी आई डोंट थिंक सो हमें सनसेट दिखना वाला था, बिकॉज यहाँ पे बहुत ओवरकास्ट है, मतलब बादल हर जगह है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ दिखने वाला था। हम कल जरूर आएंगे भाई साहब, अभी तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ठंडी होगी, वरना मैं ना स्वेटर वगैरह या कुछ विंटर वेयर रिलेटेड लेकर आई हूँ। ओके तो अभी घूमने घामने के बाद, हम सनसेट वगैरह देखने के बाद अपने रूम में आ गए, मतलब मैंने थोड़ा सा इधर उधर मैंने थोड़ा घूमा, केकड़े वगैरह देखे यहाँ पे आजू बाजू, और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ये करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, डिनर करने के लिए। लेट अस गो सिर्फ 9:30 बजे तक यही है, और अभी 9:45 बज गया है, तो मैं नहीं चाहती कि डिनर खत्म हो जाए या डिनर बंद हो जाए। आप लोगों को पता ही है कि खाना मुझे कितना ज्यादा प्रिय है, इसलिए चलते हैं अपना डिनर करने के लिए। तो पता है बाबू ने क्या ऑर्डर किया है, बता तू बता क्या ऑर्डर किया है। चीज़न कॉर्न पिज्जा और फिर दूध पीऊंगा बॉर्नविटा। बॉर्नविटा इसने दूध के साथ बॉर्नविटा मंगाया, साल हो गया दीदी पिए हुए, सादा दूध तो पिया पर बॉर्नविटा वाला कितने साल हो गए। 5 रुपए का पैकेट लेकर आ जाता ऐसे, अब कॉमन ओकेजनली, हाँ लोग ओकेजनली ऐसे थोड़ा ड्रिंक, हम दूध पीते हैं ओकेजनली बॉर्नविटा में। देखो भाई मैंने तो मंगाया है पिज्जा, मैंने मंगाया है तू दूध पी तो ये पिज्जा इतना अच्छा है ना बाबू, तू क्या कर रहा है तंबाकू, ये इतना बाबू इतना पागल है, ये ढक्कन है इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो नहीं 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 यहाँ पर दिया हुआ है बाबू इसका, ये ढक्कन में और ये खोल के डाल रहा है, ये गवार का गवार ही रहने। कैसा लगा पिज्जा? पिज्जा बहुत अच्छा है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है, पता है इसका बेस बहुत ही प्यारा है पिज्जा। मतलब मुझे इतना भी पता नहीं था कि मुझे फुल कपड़े लेने चाहिए, मैं बस इतना दिमाग में लेकर थी चलो वेकेशन पे जाना है लेकर जाते हैं, स्वेटर वगैरह लेकर आना चाहिए था, और अब मुझे यहाँ पे तड़ाकेदार ठंडी लग रही है, लाइक लिटरली आप लोग सामने धुआं उड़ रहा है मेरे, यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ये दिख नहीं रहा है सामने का, इतनी ज़्यादा धुंध है, और ऊपर से मैं अति होशियार, मुझे एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि हम महाबलेश्वर जा रहे हैं, मतलब हम महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर्स पहले ये रिजॉर्ट में रुके हैं, तो मुझे इतना भी अक्कल नहीं आया कि हम महाबलेश्वर जा रहे हैं तो वहाँ पे ठंडी होगी, तो मैंने तो वहाँ ठंडी होगी तो मैंने कपड़े लेने चाहिए जो फुल हो। तो आज का जो व्लॉग है फिलहाल मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ,
आज वैसे मैं आप लोगों को ना हमारा रिजॉर्ट पूरे तरीके से दिखाने वाली थी, लेकिन मुझे ही टाइम नहीं मिला और यहाँ पर सनसेट कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, बिकॉज ओवरकास्ट भी था तो अंधेरा बहुत जल्दी हो गया, इसलिए आप लोगों को रिजॉर्ट दिखाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। एंड ऑल्सो कल सुबह हम शायद ट्रैक पर जा सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल मुझे जल्दी सोना होगा क्योंकि हम शायद कल जा रहे हैं सनराइज देखने के लिए। अब वो शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो हमारे उठने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उठेंगे और जाएंगे, तो अभी वो प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती। तो आज का व्लॉग फिलहाल मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आप लोगों को कल हमारा पूरा जो रिजॉर्ट है उसका एक क्या बोलते हैं टूर, ऐसा ही अभी इसके लिए मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है, एक छोटा सा टूर दे दूंगी हमारे रिजॉर्ट का। तो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हुए, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं हमारे कल के व्लॉग में।